पाकिस्तान और पख्तून एक दूसरे से जुड़े हुए नाम हैं। जहां पर भी पाकिस्तान का नाम आता है वहां पर पख्तून कौम की दलेरी और बहादुरी का जिक्र जरूर होगा। पाकिस्तान का नाम रोशन करने और आलमी दुनिया में पाकिस्तान को पहचान दिलाने में पख्तूनों का अहम किरदार रहा है। ख्वाह जंग का मैदान हो, तालीमी मैदान हो या खेल का मैदान हो, बल्कि खेल के मैदानों में तो पख्तूनों ने हमेशा कमाल ही कर दिखाया है। जैसे कि क्रिकेट में शाहिद खान आफरीदी, यूनस खान, फखर जमान और स्क्वाश में जहांगीर खान जैसे लेजेंड्स प्लेयर नुमाया है। इसी तरह इन दिनों पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाला नौजवान भी एक पख्तून है। नौजवान का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिले मर्दान के एक नवाही इलाके रोस्तम से है। नौजवान का नाम उमर अमान है। उमर अमान ने 1 अप्रैल 2001 को अमानुल्लाह खान के आंगन में आंख खोली। उमर अमान की पैदाइश से पहले ही उमर अमान के वालिद साहब ने आपको उमर का नाम देने का ख्वाहिश जाहिर किया था, जिसकी वजह आपकी वालिद साहब का करीबी दोस्त उमर पहलवान था, जिनका शुमार उस वक्त के अच्छे पहलवानों में होता था। उमर अमान ने इब्तदाई तालीम इस्लामिया पब्लिक स्कूल नवाकली जबकि मैट्रिक खेरा स्कूल चारगुल्ली से पास किया। उमर अमान को अपना वालिद साहब बचपन से ही रेसलिंग का ट्रेनिंग देते रहे क्योंकि वो खुद भी एक नामवर पहलवान थे। उमर अमान मैट्रिक पास करते ही अपने वालिद के कहने पर पहलवानों के शहर गुजरावाला चले गए और वहां पर अपने प्रोफेशनल रेसलिंग का आगाज जिना हेल्थ क्लब से किया और वहां खूब मेहनत के बाद बहुत से टाइटल्स अपने नाम कर दिए, जिसमें आल पंजाब फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिल्वर मेडल जबकि आल पंजाब जोडो में भी सिल्वर मेडल और आल पंजाब कॉलेजेस के चैंपियन का एजाज भी अपने नाम किया। इसी तरह 2 साल की खूब मेहनत के बाद जब आप एशियन गेम्स 2018 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए इंडोनेशिया चले गए तो वहां पर आपने कॉलेज स्टाइल रेसलिंग में पाकिस्तान का दिफा करते हुए आपके 6 मुख्तलिफ ममालिक के साथ काफी सख्त मुकाबले हुए और बला आहिर पाकिस्तान को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कॉलेज स्टाइल रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतकर तमाम पाकिस्तानियों के सर फहर से बुलंद कर दिए। इंशाल्लाह
او بل خبر چې موږ مخکې په پاکستان نوم نو روحانه کو په انټرنیشنل سطح باندې لکه دا خو ایشین سطح باندې ان شاء الله موږ انټرنیشنل سطح باندې پاکستان نوم روحانه کو په پاکستان چې کوم کولیسټرول فیڈریشن دی دا یې ډېر شکر گزار یم دا کې د پرزیدنت محمد عمر ډېر زیات شکر گزار یم زموږ استاد فیڈریشن صدر دی د پاکستان کولیسټرول ریسلینګ نو هغه ډېر شکر گزار یم چې هغه زموږ سلیکشن وکړو هغه موږ ولې ګلو نو بس نو شکر دې موږ د هغه چې ما خراب نه کو موږ د ونه کوم موږ امیدونه موږ امیدونه خراب نه کړو نو الله پاک موږ کامیابی راکړه او موږ الله پاک کامیاب کړو عمر امان مستقبل میں نہ صرف اپنے علاقے بلکہ پورے پاکستان میں ریسلنگ کو فروغ دینے اور نئے کلبز بنانے کا عزم بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عمر امان کو اور ہمت دے تاکہ اسی طرح وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں آمین